हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन गुरु। तो अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चैनल पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो, ट्रिक्स देख सकते हो, और मैराथन्स हैं पूरे चैप्टर की, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर चैप्टर के जिससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये आप कवर कर सकते हो हमारे चैनल से, और फिजिकल एजुकेशन गुरु इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि जो भी पीडीएफ है वो आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीमेल एथलीट शुड बी अलाउड टू ट्रेन एंड कम्पीट इन एनी स्पोर्ट्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन प्रोवाइडेड दैट दे नो दैट नो अनप्लीजेंट सिम्टम्स विल अकर एंड दैट देयर परफॉर्मेंस विल नॉट बी ग्रेटली अफेक्टेड। अच्छा, अब देखो कि जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, खासकर एजर्शन रीजन के जो क्वेश्चन होते हैं वो अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप इसको हिंदी में पढ़ के एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन है इसको हम एक बार हिंदी में रीड करते हैं। महिला खिलाड़ियों को मासिक धर्म के दौरान प्रशिक्षण और किसी भी खेल को पूरा करने को की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि वे जानती हैं कि अप्रीतिकर लक्षण प्रकट नहीं होंगे और उनके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है जब उनकी मंथली मेंस्ट्रुएशन होते हैं तो उस एक्सरसाइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है उनकी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट जो इन्होंने रीजन दिया है तो हम पहले देखते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। मासिक धर्म की गड़बड़ी पर हल्के व्यायाम का कोई व्यापक प्रभाव परिलक्षित नहीं होता जबकि भारी सघन प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में कुछ खिलाड़ियों में एमिनोरिया की उत्पत्ति बहुत आम नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही बोली है कि जब मानसिक धर्म होता है, ठीक है, तो उसमें जो हम हल्का सा व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उससे ज़्यादा गड़बड़ी नहीं होती है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा सेकेंड, कि जो जो फर्स्ट है वो स्टेटमेंट तो सही है बट ये इसका रीज़न नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी इन्होंने यही बात बोली है कि प्रॉब्लम नहीं होती है और नीचे भी यही बात बोली है कि प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और जो एमोनोरिया होता है वो आम बात है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो आएगा सेकेंड। द टर्म फैट फ्री मास एंड लीन बॉडी मास आर ऑफन कंसाइडर्ड इंटरचेंजेबली व्हेन दे शुड नॉट बी, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि फैट फ्री मास और लीन बॉडी मास को हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं जबकि नहीं करना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लीन बॉडी मास कंटेन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ इसेंशियल फैट स्टोर। जो लीन बॉडी मास है वो फैट स्टोर जो है वो होता है, स्मॉल परसेंटेज होता है बट फैट स्टोरेज होता है। जैसे आपको पता है ऑर्गन्स में भी हमारे फैट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। चीफली विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम द बोन मैरो एंड इंटरनल ऑर्गन्स। तो यही बोला है कि ऑर्गन्स वगैरह में जो बॉडी फैट है वो होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। फैट फ्री मास एवं लीन बॉडी मास शब्द का सामान्यता अनुपरिवर्तनीय माना जाता है जबकि इनमें ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है कि इन्होंने बोला है कि फैट फ्री मास और लीन बॉडी मास को एक जैसा माना जाता है बट ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट बात तो इन्होंने, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लीन बॉडी मास में अनिवार्य फैट स्टोर का न्यून प्रतिशत प्रमुखता केंद्र नर्व सिस्टम के भीतर बोन मैरो एवं आंतरिक अंग शामिल रहते हैं। तो इन्होंने यही बोला है कि जो लीन बॉडी फैट फ्री मास और लीन बॉडी मास में डिफरेंस क्या है। फैट फ्री मास में फैट नहीं होता और लीन बॉडी मास में फैट होता है, जैसे ऑर्गन्स वगैरह की इंपॉर्टेंट के लिए या एनर्जी रिन्यू करने के लिए, ठीक है, तो उसमें होता है। तो ये इन्होंने बताया है कि किस तरह से अलग है कि उनमें जो नर्व्स होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है वो होता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये इसका रीज़न दिया है कि ये ए जो आंसर है वो सही है। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर मैनी डिजीजेज विच आर कंसाइडर्ड एज जेनेटिक और हेरिडिटेरी डिजीज। ऑफ द फॉलोइंग विच आर हेरिडिटेरी डिसऑर्डर। तो हमने बताना है हेरिडिटरी और जेनेटिक डिसऑर्डर कौन कौन से हैं इन डिजीज़ में से, ठीक है। तो वो है फर्स्ट थैलेसमिया,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिकल सेल एनीमिया और लास्ट है हेमोफीलिया। ठीक है, अब हम ये डिजीजेज जो है ये हम अच्छे से रीड आउट करेंगे क्योंकि ये डिजीजेज के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो आप आंसर देख लो इसका, सेकंड आंसर जो है वो करेक्ट है। अब हम इन डिजीजेज के बारे में पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट डिजीज है वो है रूबेला। ठीक है, रूबेला क्या होता है? रूबेला इज आल्सो नोन एज जर्मन मीजल्स, इसको जर्मन मीजल्स भी बोला जाता है और थ्री डे मीजल्स भी बोला जाता है। ये इन्फेक्शन होती है इसे, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज्ड बाय रूबेला वायरस, ये याद रखना, ये बैक्टीरिया से नहीं होता है, ये कौन सा है, ये वायरस से होता है और ये इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट इसके सिम्टम्स आप देख सकते हो, रैश, स्वोलन, फीवर है, थ्रोट, तो ये जैसे ये डायग्राम शो कर रहे हैं, डायग्राम में आप देख सकते हो कि कैसे ये मतलब जैसे दाने होते हैं ना, रेडिश हो जाता है, रेड रेड कलर के दाने निकलते हैं, तो ये ऐसे दिखता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रूबेला। नेक्स्ट, रूबेला इज अ कॉन्टेगियस वायरल इन्फेक्शन, मैंने आपको बताया कि ये वायरल इन्फेक्शन है, दैट अकर्स मोस्ट ऑफन इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स, तो या तो ये यंग एडल्ट्स में होता है या फिर ये चिल्ड्रंस में होता है, मोस्ट कॉमनली ये चिल्ड्रंस में होता है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी डिजीज है जो ज्यादातर बच्चों में होती है, तो रूबेला जो है वो बच्चों में होती है। ठीक है, रूबेला से याद रख सकते हो कि बच्चे रोते रहते हैं, ठीक है, तो ये बच्चों में होती है, तो रूबेला रोते रहते हैं, और याद रखना रोते रहते हैं तो वो आंसू उनके फैल जाते हैं। ठीक है, जैसे वायरस फैल जाता है एक मिनट में, जो कंप्यूटर में वायरस होता है वो पूरे कंप्यूटर को ख़राब कर देता है, वायरस फैल जाता है, तो वैसे ही रूबेला जब बच्चे रोते हैं तो आंसू फैल जाते हैं, तो मतलब याद रख सकते हो ट्रिक से, जिसको याद रखना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है थैलेसीमिया। अब इसका क्या मतलब होता है, ये कौन सी डिजीज है? थैलेसीमिया इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। अब ये भी इनहेरिटेड है ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है, ये हमने वहाँ पे क्वेश्चन में भी देखा है कि ये इनहेरिटेड है ब्लड डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय लेस ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन हेमोग्लोबिन। जो हेमोग्लोबिन होता है ब्लड में, जिसके कारण हमारी ऑक्सीजन जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाती है, वो हेमोग्लोबिन के थ्रू ही जाती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला लेस ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, जो प्रोटीन्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो कम होते हैं, ब्लड जो है वो भी कम होता है, ब्लड डिसऑर्डर होता है, एंड फ्यूर रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी देन नॉर्मल, और कम होते हैं रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम होते हैं जितने एज कम्पेयर टू नॉर्मल बॉडी में होते हैं। तो सिम्टम्स क्या है इसके, फैटीग, वीकनेस, पैलिननेस एंड स्लो ग्रोथ, जो ग्रोथ है वो कम होती है। तो ये आप देख सकते हो, ये नॉर्मल ब्लड है, नॉर्मल में कितने ज़्यादा हैं, और ये है डिजीज वाले, थैलेसीमिया डिजीज होती है जिसको, तो इसमें रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सिकल सेल एनीमिया। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि सिकल, इसको क्यों बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया तो हो गया जिसमें ब्लड कम होता है, तो सिकल का मतलब क्या हो गया, जो सिकल है उसका मतलब होता है कि ये मतलब सर्कुलर शेप। ठीक है, सिकल क्या होता है, ऐसे सर्कुलर शेप होती है, पूरी गोल नहीं होती है, सिर्फ हाफ सर्कुलर मतलब शेप जो है वो उसकी होती है, इसलिए इसका नाम सिकल सेल पड़ा है। और ये देखो नीचे आप डायग्राम में देख सकते हो, नॉर्मल सेल जो है वो पूरा सर्कुलर है, और जो थैलेसीमिया है वो ऐसे स्क्वेयर टाइप में है, और जो सिकल सेल है वो सिकल की शेप में है, यानी कि हाफ सर्कुलर शेप में है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट, सिकल सेल डिजीज इज एन इनहेरिटेड ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। अब ये भी इनहेरिटेड है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये पढ़ा था थैलेसीमिया पढ़ा था, ये भी ब्लड से रिलेटेड था, और सिकल सेल एनीमिया ये भी ब्लड से रिलेटेड है, इसलिए ये दोनों इनहेरिटेड है। ठीक है, इन विच रेड ब्लड सेल कंटॉर्ड इन टू अ सिकल शेप, मैंने आपको बताया सिकल शेप में होते हैं, द सेल्स डाई अर्ली, तो ये जो सेल्स हैं ये जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, लिविंग अ शॉर्ट हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, सिकल सेल एनीमिया एंड कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो कॉजिंग पेन, तो ये क्या करते हैं, पेन क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब ब्लॉक कर देते हैं, जो ब्लड फ्लो होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, ब्लड फ्लो रुक जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, हमें पेन हो जाती है उस जगह में। ठीक है, तो ये था हमारा सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट जो हमारी डिजीज है वो है पोलियोमाइलिटिस। तो इसमें क्या है, आपको पता है पोलियो का नाम तो सभी ने सुना होगा। ठीक है, तो ये इसको नॉर्मली हम पोलियो भी बोलते हैं और पोलियोमाइलिटिस भी बोलते हैं। ठीक है, इज आ डिसेबलिंग
एंड लाइफ। अब आपको पता है कि ये डिसेबल वाली होती है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं किसी को पैरालाइज हो गया है, वो भी इसी के अंडर आ जाता है, ठीक है। पोलियो में हम जो बॉडी पार्ट है उसमें सेंसेशन नहीं होती है, वो हिलता नहीं है बॉडी पार्ट, ठीक है। तो इसीलिए अब ये जैसे डिसेबिलिटी से रिलेट करता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है, सबसे पहली बात। तो नेक्स्ट है caused by poliovirus, the virus spread from person to person and can affect a person's spinal cord causing paralysis. तो मैंने आपको बताया जैसे paralysis हो जाता है। तो अब देखो what is poliomyelitis. Poliomyelitis is a highly infectious viral, ये भी viral disease है, ठीक है, याद रखना, which mainly affect young children. तो ये भी young children को affect करता है, याद रखना, ठीक है। पोलियो पता है ना, छोटे बच्चे को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाते हैं, तो उसे याद रखना, पोलियो जो है वो छोटे बच्चों में होता है। द वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, तो ये मतलब इनसे हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी डिजीज है वो है हेमोफीलिया। अब जो पहले हमने बताई थी वो भी ब्लड से रिलेटेड थी, और जो हेमोफीलिया है ये भी ब्लड से रिलेटेड है, तो ये भी इनहेरिटेड है, ठीक है, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। हेमोफीलिया इज यूजली एन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अब ये क्या है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसमें ब्लड सेल्स जो होते हैं, हमारा ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं बना पाता है। फॉर एग्जांपल हमें कभी भी इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता है, वो ब्लड हमारा मतलब ब्लीडिंग होती रहती है लगातार। अब आप डायग्राम में देख सकते हो, अब इसमें क्या होता है, नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये उनको इंजरी हुई है, ब्लड जो है वो बाहर ब्लीडिंग हो रही है ब्लड की, ठीक है, हेमरेज हो गया है। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने बाहर एक लेयर बना दी है जहाँ से ब्लड बाहर नहीं आ रहा है, ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, ठीक है। अब जिसको डिजीज है, हेमोफीलिया की डिजीज है, उसमें क्या होगा, ये है नॉर्मल ब्लड वेसल, देन हेमरेज, ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, तो यहाँ पे अभी भी ब्लीडिंग हो रही है और यहाँ पे भी ब्लीडिंग हो रही है, मतलब यहाँ पे इन्होंने जो क्लॉटिंग है वो नहीं बन पाई है, अच्छे तरीके से नहीं बन पाई है, जो थोड़ा थोड़ा ब्लड है वो अभी भी ब्लीड कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है हेमोफीलिया। तो ये थी हमारी डिजीजेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजीजेस के क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज, इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन आर। अब जो हेपेटाइटिस ए है वो हमने बताना है कि कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, किस किस से वो हमें हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना, जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है, हम किसी को बुलाते हैं ना ए करके बुलाते हैं ना, तो ए ई याद रखना, ए ई, ये दोनों क्या है, वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं, ठीक है, ये दोनों वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं। तो हेपेटाइटिस ए का पूछा है, सबसे पहले तो याद रखो कि वाटर बॉर्न है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ऑप्शंस में, क्योंकि हम ऑप्शन के थ्रू ही आंसर इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले वाटर डिजीज है, तो एयर बॉर्न ड्रॉपलेट से तो ये होगा नहीं, ठीक है, एयर बॉर्न, जब ये वाटर है तो एयर बॉर्न से कैसे हो जाएगा, तो सी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन हो जाते हैं हमारे कैंसिल। और ई जो है वो दोनों में कॉमन है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, एंड बी जो है वो भी कॉमन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट इससे भी होता है, ठीक है, ये दोनों तो कॉमन है। अब हमने सेलेक्ट करना है ए या फिर डी में से कौन सा आएगा, तो ए और डी में से डी है वेक्टर ट्रांसमिशन, ये तो आएगा नहीं, ए आ जाएगा हमारा कि ब्लड एंड स्किन पेनिट्रेशन से होता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड भी तो मतलब वाटर बॉर्न है ना, वाटर बॉर्न बताना है हमने हेपेटाइटिस ए का, तो इसीलिए ऑप्शन जो हमारा फोर्थ है वो आएगा करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सर्विसेज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड अंडर स्कूल हेल्थ सर्विस, ठीक है, मतलब निम्नलिखित सेवाएं विद्यालय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने अपेक्षित हैं, इनमें से किन्हें शामिल नहीं किया जाता है, मतलब जो विद्यालय में या फिर स्कूल में कौन कौन से इसमें से मेथड्स हैं, मेथड्स नहीं बोल सकते, जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो कौन सी स्कूल में नहीं करवाई जाती, ठीक है। तो सबसे पहले इम्यूनाइजेशन, ठीक है, टीकाकरण, ये तो करवाया जाता है, ये हेल्थ के अंदर ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये भी होता है, पोषक तत्व, इसकी भी आपको पता है मिड डे मील होती है, तो वो भी इसी के अंडर आ जाता है। देन डिसेबिलिटी, अब डिसेबिलिटी जो है वो नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि डिसेबिलिटी जो है वो हमारा हेल्थ से रिलेटेड है, बट हेल्थ में हम डिजीजेज वगैरह कंसाइडर करेंगे जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं उसमें, ठीक है। तो जो डिसेबिलिटी है वो तो कभी एक्सीडेंट वगैरह हुआ उस वजह से भी डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब ये इसके अंडर, स्कूल हेल्थ सर्विस के अंडर, ठीक है। तो
सी जो है वो ऑप्शन नहीं आएगा, तो हम सी कैंसिल कर देंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये भी आंसर जो थर्ड है वो हमारा करेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओके, मैच द फॉलोइंग है, तो फर्स्ट है एल्यूमिनियम, कैल्शियम क्लोराइड और जिंक। हमने बताना है कि एक्सेप्टेबल लिमिट इन वाटर, वाटर में हमने बतानी है कि कितना वाटर में कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है, कितनी कम होती है। तो वाटर में याद रखना कि सबसे ज़्यादा जो है वो क्लोराइड होता है। ठीक है, वाटर में क्लोराइड सबसे ज़्यादा होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, 250। ठीक है, तो सी को हम मिला देंगे हम सेकंड से, तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा कैंसिल। नेक्स्ट क्लोराइड के बाद होता है कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम आ जाएगा 75, तो बी का आ जाएगा फर्स्ट, बी का फर्स्ट आएगा, ये दो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो याद रखना क्लोराइड से होता है, कभी कभी एक ही से ऑप्शन बन जाता है, बट अगर एक से नहीं बन रहा है तो आप आइडिया लगा सकते हो, नहीं पता तो तुक्का लगा देना। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच वाटर पॉल्यूटेंट इज अ सोर्स ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज कॉलरा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषण, जल जनित रोग कॉलरा का मूल कारण है। तो हमने बताना है कॉलरा का सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है जिससे कॉलरा होता है वो कौन सा है। ठीक है, तो वो है सीवेज, सीवेज से सबसे ज़्यादा कॉलरा के चांसेस होते हैं। ये मैंने आपको बोला कि आपको डिजीजेज सारी पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द गाइडलाइंस फॉर फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, विच वन ऑफ दीज इज इनकोरेक्ट। तो हमने बताना है कि गलत कौन सा है। ठीक है, जब किसी को फर्स्ट एड देना हो बर्न का, किसी को जल गया हो तो उसको हमने फर्स्ट एड देना हो, तो इसमें से कौन सी चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, हमने वो बतानी है। ठीक है, तो क्या है, बर्फ़ वाले ठंडे पानी का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रोगी को दौड़ने की अनुमति ना दें, तो बिल्कुल सही है, दौड़ना तो बिल्कुल मना होता है क्योंकि स्किन जो होती है वो पूरी गल गई होती है, तो वहाँ पे कोई भी मूवमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द पेशेंट मस्ट मेड लाई डाउन, बिल्कुल सही, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, तो उसको लाई डाउन कर देते हैं ताकि कोई मूवमेंट ना हो और जो स्किन है उस पर हम जो भी ट्रीटमेंट हो नेक्स्ट वो कर सकें। नेक्स्ट है, यूज अ ड्राई क्लीन क्लॉथ टू कवर द बर्न एरिया, तो बिल्कुल सही है ये भी कि बर्न एरिया जो है उसको खुला रखेंगे तो उसमें इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है, उसको कवर करना जरूरी है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। देन यूज आइस वाटर कोट, क्योंकि वो बॉडी जो है वो बिल्कुल गर्म होती है, उसमें जगदम आइस वाला पानी फेंकना, एकदम ठंडा फ्रिज वाला पानी फेंकना वो सही नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका वो आ जाएगा आंसर, क्योंकि इन्होंने पूछा है कौन सा इनकोरेक्ट है। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ऑफर्स इन्यूमरेबल हेल्थ बेनिफिट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग द एक्सरसाइज एंड हेल्थ इज इनकोरेक्ट। अब देखो हिंदी में देख लो, व्यायाम से अत्यधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन व्यायाम एवं स्वास्थ्य के संबंध में सही नहीं है। हमने कौन सा बताना है जो इनकोरेक्ट है, जो सही नहीं है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं क्यों, तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, व्यायाम से मुद्रा में सुधार होता है, बिल्कुल सही है, इम्प्रूव होता है हमारा पॉस्चर। देन प्रोलॉन्ग वंस लाइफ, बिल्कुल सही है कि जो आयु है वो बढ़ती है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प टू प्रिवेंट मैनी फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर से हमें प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं, तो बिल्कुल सही है कि शारीरिक एवं मानसिक जो हमें मतलब जो प्रॉब्लम होती हैं उससे भी हमें बेनिफिट होता है। व्यायाम से व्यवहार में भी सुधार आता है, व्यवहार बिहेवियर जो है हमारा वो चेंज होता है, बट इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, वैसे दूर का आ जाएगा ये रिलेशन जो भी है इनका बिहेवियर का। ठीक है, कहीं ना कहीं बिहेवियर में चेंज आता है, क्योंकि जब एक बंदा एक्सरसाइज करेगा उसकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा जब उसकी बॉडी दिखने में अच्छी होगी, बट ये इनडायरेक्टली है, बाकी जो है वो हमारे डायरेक्टली हेल्थ से रिलेटेड है, इसीलिए इसको हम गलत माना जाएगा, गलत मानेंगे। फोर्थ जो है हमारा आंसर सही है, क्योंकि इन्होंने इनकोरेक्ट पूछा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज द यूनिवर्सल अपील टू ऑर्गेनाइज 21 जून एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑन।
तो जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि 21 जून को इंटरनेशनल डे होगा, तो ये तो सभी को पता है 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है। अब इन्होंने बोला है कि ये कब हुआ था, कब डिसाइड हुआ था रिजोल्यूशन, तो वो हुआ था 11 दिसंबर 2014 बाय रिजोल्यूशन 69131। तो ये स्टैटिक पोर्शन है, ये आप देख लेना, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली, द एयर क्वालिटी इंडेक्स रेंज 201 to 300 कम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। जो नीचे कैटेगरीज दी गई हैं 10 मतलब 200 बोल सकते हो, 200 से लेके 300 कैटेगरी के बीच कौन सी रेंज आती है, कौन सी क्वालिटी आती है कि एयर क्वालिटी गुड है या फिर पुअर है, कैसी है, तो वो आती है पुअर। ठीक है, इसका आंसर सेकंड जो है वो करेक्ट है। तो हम एक बार इंडेक्स देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमें 200 से 300 तक पूछा है, तो नेक्स्ट टाइम कुछ भी रेंज दे सकते हैं। तो ये आप देख लेना कि जो 0 से 50 तक है वो गुड है, ठीक है, और जो 51 से 100 तक है वो सेटिस्फैक्टरी है। सबसे पहले 50 स्टार्टिंग में 50 का गैप है, ठीक है, 0 से 50 गुड, बेटर है कि मतलब हम अच्छी है क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट 50 में जो है 51 से 100 वो है सेटिस्फाई कि मतलब चल सकता है, सेटिस्फाइंग है इसमें भी। नेक्स्ट है 100 से 200, देन 100 का गैप है आगे, ठीक है, तो 100 से 200 आ गया मॉडरेट, देन 200 से 300 आ गया पुअर, 301 से 400 वेरी पुअर, एंड लास्ट हमारी होती है 400 से 500, ठीक है, मतलब 401 से 500 तक, तो वो होती है सीवर, मतलब बहुत ज़्यादा खराब, ठीक है। तो ये एक बार आप देख सकते हो कि जो भी इनकी इन्होंने इंडेक्स दिया था वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लानिंग, इसका आंसर जो है वो आएगा फोर्थ। इन्होंने पूछा कि कौन सी नहीं है, तो हमने वो बताना कौन सी नहीं है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो प्लानिंग है, अब प्लानिंग की टाइप्स कौन कौन सी है, स्ट्रेटेजी जो इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रेटेजिक प्लान्स, टेक्टिकल प्लान्स, ऑपरेशनल प्लान्स, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होता है, जब हम सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसको बोलते हैं हम स्ट्रेटेजिक प्लान, ठीक है। इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग कंपटीशन, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, तो ये सारी चीज़ें जो हम पहले मतलब एनालाइज करते हैं, इन्वॉल्व्स एनालाइज कंपटीशन, हम एनालाइज करते हैं कि ऐसे ऐसे कंपटीशन होगा और हम ऐसे करेंगे, हम ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, या फिर पूरा स्ट्रक्चर फ्रेम हम डिसाइड करते हैं कैसे कैसे करेंगे। देन टेक्टिकल प्लान्स आते हैं कि जब हमने जो चीज़ अप्लाई करनी है ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, ठीक है। मिडल लेवल मैनेजर जो है वो इसको मतलब करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे गेम हो रही है तो उस टाइम कोच वगैरह या फिर जो हमारा गेम का हेड होगा, जो हमारी गेम का लीडर होगा, वो हमें मतलब टेक्टिकल वो हमें बताएगा कि आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है, तो ये लो लेवल मैनेजर करते हैं। लास्ट में आता है ऑपरेशनल, मतलब जो वो जो प्लेयर्स जो हैं उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे प्लांट्स के टाइप्स। तो एक प्लांट के टाइप हमारे अलग मतलब डिवाइड होते हैं, जैसे बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बेस पे कितने टाइप्स होती हैं, तीन, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मीडियम और शॉर्ट टर्म। देन ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, टॉप लेवल प्लानिंग, मिडल लेवल और लोअर लेवल प्लानिंग, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी के बेस पे एक होती है एड हॉक प्लानिंग और स्टैंडिंग प्लानिंग। तो ये टाइप्स हैं प्लानिंग की। तो ये टाइप्स अब यहाँ पे था, तो एडहॉक प्लानिंग भी है, स्ट्रेटेजिक भी है, टेक्टिकल भी है, तो फंक्शनल प्लानिंग जो है वो नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा आ गया फोर। द एंडोरेंस एथलीट्स हैव अ बेटर कैपेसिटी ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन ट्रांसफर ऑफ गैसेज ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सरसाइज एंड दिस इज रेफर टू, इसको हम क्या बोलते हैं वो हमने बताना है। तो जो एंडोरेंस एथलीट्स होते हैं उनकी कैपेसिटी जो है एल्वियोलर कैपेसिटी वो अच्छी होती है। तो एल्वियोलर कैपेसिटी मतलब जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, और गैसेस जो एक्सचेंज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है जो गैसेस हमारी एक्सचेंज होती हैं, और डिफ्यूजन कैपेसिटी जो है वो उसको बोलते हैं मतलब ये जो मतलब है उसका, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आएगा सेकेंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एर्गोजेनिक एड्स। अब एड्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसका मैं अलग से टॉपिक भी आपको करवा दूंगी, मतलब पूरा इसको बता दूंगी कि कौन कौन से एड्स के अंदर कौन कौन से जो ड्रग्स हैं वो आते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो क्वेश्चन है ना, ये तो ऐसे भी निकल जाएगा अगर आपको ड्रग्स के बारे में नहीं पता, क्योंकि जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये ड्रग नहीं है, ये है विटामिन
सी विटामिन सी का दूसरा नाम साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, तो ए तो आएगा ही नहीं, ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो थायामाइन है ये B1 का नाम है थायामाइन, तो ये भी कोई ड्रग नहीं है, सी भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो आएगा सेकंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज एन इंडिविजुअल गेट्स ओल्डर विच ऑफ द फॉलोइंग साइको फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकॉम्पनी द एजिंग प्रोसेस। जब एक जो एक पर्सन है जब वो बूढ़ा होता जाता है तो क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसमें। तो अब देखो, लीन बॉडी वेट डिक्रीज होता है, या फिर परसेंट बॉडी फैट परसेंटेज इंक्रीज होती है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, रिएक्शन टाइम। अब देखो, रिएक्शन टाइम तो हमें पता है इंक्रीज होता ही नहीं है, क्योंकि रिएक्शन टाइम मतलब जो है वो CNS की वजह से ही हमारा अच्छा होता है। तो जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें नर्व इम्पल्स की जो पहले से होती है वो कम होती जाती है, वो एक्टिव कम होते हैं, तो रिएक्शन टाइम तो आएगा नहीं, डी कैंसिल हो जाएगा, डी इसमें भी है इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा फोर्थ। ठीक है, एक ए बी और ई। अब लीन बॉडी, अब कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी की बॉडी स्वेल होना शुरू हो जाती है जब वो बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो फैट परसेंटेज भी इंक्रीज होता है, किसी कोई कोई बहुत पतला हो जाता है, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। और जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो मतलब ऐसे बोलते हैं हम खा रहे हैं वो पच नहीं रहा उनको, मतलब तो वो चीज भी उनकी कम हो जाती है। नेक्स्ट, एनहेंस्ड मस्कुलर स्ट्रेंथ इंक्रीजेज ज्वाइंट स्टेबिलिटी एंड डिसिपेट्स हाई लेवल ऑफ ज्वाइंट रिएक्शन फोर्स। अब इन्होंने बोला है जो हाई एनहेंस्ड मस्कुलर स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है ज्वाइंट स्टेबिलिटी से, मतलब ज्वाइंट स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है स्ट्रेंथ से। ठीक है, तो ये क्या कौन एनहेंस करता है इस चीज को। अब स्ट्रेचिंग तो होती नहीं, स्ट्रेचिंग से कोई बोले कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती है ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो किसी पुश से भी नहीं इतना होता है, तो ये जो है इसका आंसर है फर्स्ट, हाई एजिलिटी मूवमेंट। जब हम एजिलिटी मूवमेंट करते हैं ना, क्योंकि उसमें क्विक एक्शन से करना होता है, हम रिएक्शन टाइम कितना दे रहे हैं। ठीक है, तो उससे हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है वो भी अच्छा होता है और जॉइंट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट, एफटी फाइबर। एफटी फाइबर जो होते हैं वो होते हैं फास्ट ट्विच फाइबर। ठीक है, जो स्प्रिंट वगैरह जो हम जिसमें एनरोबिक एक्सरसाइज मतलब होती है। ठीक है, तो जैसे फास्ट ट्विच ऑफ मसल विच आर सुइटेबल फॉर स्प्रिंट। अभी इन्होंने लिखा भी है कि स्प्रिंट टाइप फास्ट ट्विच जो होते हैं वो वाइट फाइबर्स होते हैं मसल, ये स्प्रिंट वगैरह के लिए होते हैं, जो कम टाइम के लिए एक्सरसाइज होती है, एनरोबिक बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब फास्ट ट्विच फाइबर में हमने बताना है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अब देख लो, हाई ग्लूकोटिक कैपेसिटी, लो कैपिलरी। अब लो फैटीक जो है, हमें पता है लो फैटीक नहीं होती है, इसमें फैटीक होती है। जैसे स्प्रिंट कर रहे हैं, अगर हम बाय चांस लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं ना, तो हम स्लो स्लो करते हैं, हम इतना थकते नहीं है, लेकिन स्प्रिंट वगैरह में हम एक ही बार एनर्जी लगा लेते हैं और हम थक जाते हैं, तो ये डी तो आएगा नहीं, डी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ए और ई, तो इसमें कॉमन है। अब बी और सी में से हमने देखना है, लो कैपिलरी डेंसिटी या फिर अ स्मॉल फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। अब जो कंट्रैक्शन है वो हमें ज्यादा चाहिए होती है तभी, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी एक्सरसाइज स्प्रिंट करनी है, जल्दी करना, तो हमें स्मॉल फोर्स नहीं लार्ज फोर्स चाहिए होती है, तो सी जो है वो गलत है, तो सी नहीं आएगा। और इसमें हाई कैपिलरी होती है ताकि जो डिफ्यूजन है वो भी जल्दी जल्दी हो, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग मस्कुलर कंट्रैक्शन इफ द टेंशन डेवलप्ड बाय द मसल वाइल शॉर्टनिंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड इज मैक्सिमल ओवर द फुल रेंज ऑफ मोशन इज कॉल्ड। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन कौन सी होती है, जिसमें हमारी लेंथ चेंज नहीं होती मसल की और टेंशन जो है वो इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक वॉल है, और ये हमेशा स्टेशनरी चीज के साथ ही हम करते हैं एक्सरसाइज। फॉर एग्जाम्पल, एक वॉल है, हम उसको पुश कर रहे हैं, तो हमारी लेंथ तो इंक्रीज डिक्रीज होगी नहीं, जैसे हम बाइसेप करते हैं तो होती है इंक्रीज डिक्रीज, तो हम सिर्फ पुश करेंगे तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी, लेकिन उस चीज पे प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। नेक्स्ट है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में जैसे हम बाइसेप्स करते हैं, इंक्रीज भी होती है डिक्रीज भी होती है। जब हम बाइसेप्स में फ्लेक्शन करते हैं, मतलब जब हम जो डंबल है वो ऊपर की तरफ लेके आते हैं, तो मतलब कंट्रैक्शन होती है, उसको कंट्रैक्शन बोलते हैं। और जब मतलब हम नीचे एक्सटेंशन करते हैं, नीचे की तरफ लाते हैं, तो उसको एसेंट्रिक बोलते हैं। ठीक है,
कंसेंट्रिक और इंसेंट्रिक, ये दो वर्ड्स भी होते हैं. देन आइसोकाइनेटिक कौन सा होता है, जो हम मशीन के थ्रू करते हैं. फॉर एग्जांपल हम ट्रेडमिल में रनिंग कर रहे हैं तो वो हमारी कांस्टेंट स्पीड से हो रही है, ठीक है. या फिर अगर हम कोई सिटअप सी कर रहे हैं मशीन से कर रहे हैं, या फिर सो हमारे इक्वल टाइम पे सिटअप होगा तो उसको बोलते हैं हम आइसोकाइनेटिक. तो इन्होंने बोला जो कांस्टेंट स्पीड से हो, जब कांस्टेंट स्पीड आ गई ना तो समझो आइसोकाइनेटिक आपने सीधा सीधा उसका ऑप्शन दे देना है. नेक्स्ट है द रिमूवल ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम द मसल एंड ब्लड रिक्वायर्स एनर्जी एंड मेजॉरिटी ऑफ दिस एनर्जी. अब हमने बताना है कि जो जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड जो है वो इकट्ठा हो जाता है, तो ये मतलब कौन सी एनर्जी से हमने बताना है कि ये रिमूव होता है. तो सबसे पहले आपको पता है कि एटीपी पीसी सिस्टम कौन सा होता है, कि जब स्टार्टिंग में जो भी हमें पहली एनर्जी मिलती है वो एपीसी एटीपी पीसी सिस्टम से मिलती है, ठीक है. उसके बाद एनोरोबिक, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं होता, तो लैक्टिक एसिड रिमूव किससे होगा, जब ऑक्सीजन आएगा, ठीक है. ऑक्सीजन कब आएगा, जब एरोबिक सिस्टम होगा. एरोबिक सिस्टम में हमें ऑक्सीजन जो है वो उसकी प्रेजेंस में एक्सरसाइज करते हैं, तो लैक्टिक एसिड नहीं बनता है, वो रिमूव हो जाता है, ठीक है. तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट. क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है. क्वालिटेटिव एनालिसिस का बताना है हमें, इसका सीक्वेंस क्या है. तो क्वालिटेटिव क्या होता है और क्वांटिटेटिव क्या होता है, ये तो आपको पता होगा. तो क्वालिटेटिव को हम इंडक्टिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम मतलब जनरलाइजेशन करते हैं, लॉज बनाते हैं बोल सकते हैं, ठीक है. तो देखो सबसे पहला, इसमें जो सबसे पहले तो आपने ये सब रीड करने हैं, ठीक है. अब इसमें रीड करके सबसे पहले मुझे क्या दिखा है इसमें, कि डिवाइड द एक्टिविटी विद टेम्पोरल फेसेस. जो भी एक्टिविटी है उस चीज को पूरा हम डिवाइड करेंगे, उसको देखेंगे कि उसमें क्या है, ठीक है. उसके छोटे छोटे पार्ट्स में हमने देखना है, पूरा सर्च करना है उसमें कि क्या चीज है. उसके बाद क्या होगा, देन आइडेंटिफाई द जॉइंट्स. अब हम जॉइंट्स देखेंगे कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं और मूवमेंट कौन सी हो रही है. फिर हम देखेंगे नेक्स्ट की मतलब उसमें कंट्रैक्शन कौन से टाइप की हो रही है, ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे कि कंट्रैक्शन कौन से टाइप की हो रही है. उसके बाद हम देखेंगे कि जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो क्या मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उस चीज में. अगर हम जैसे फर्स्ट एड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम उस चीज पे कुछ अप्लाई कर रहे हैं एक्सरसाइज, या तो हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है. अगर इम्पैक्ट अच्छा पड़ा होगा, एक्सट्रीमली जॉइंट्स हो रहा है, तो हम इसको जनरलाइज कर देंगे कि ये चीज ऐसे ठीक होगी. फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट एड किया है, ठीक है. तो हमने पहले पार्ट में देखा कि कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है, क्या चीज हो रही है, मूवमेंट कौन सी हो रही है, ताकि हम उसमें फर्स्ट एड दे सके. फिर हमने उसको मतलब जब फर्स्ट एड दी, फिर हमने उसको चेक करना है कि ये मतलब एक्सट्रीम जॉइंट्स रेंजेस ऑफ मोशन हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है. अगर होगा तो हम उसको एज अ ना बना लेंगे या कुछ भी, ठीक है. तो इसको बोलते हैं हम क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है. तो नेक्स्ट है, तो इसका आंसर आ गया फर्स्ट. नेक्स्ट है हमारा इफ एन, अगर हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स है 55 और हमारे पास मीन है 30, देन स्टैंडर्ड डेविएशन 8. हमने निकालना क्या है कि रेलिएबिलिटी कितनी है टेस्ट की. अब किसी भी टेस्ट की रेलिएबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये खुद रिचार्डसन फार्मूला है, ठीक है. तो अब ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए. ये फार्मूला है, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में जोड़ा है इसको. तो अब देखो ये है K20, ठीक है. K20 का फार्मूला था ये वाला. अब इसमें एक बार देख लो कि आप कि इसमें है क्या क्या, जैसे कि K20 का फॉर्मूला था और इसको ये रेलिएबिलिटी चेक करता था, ठीक है. और एन नंबर ऑफ आइटम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वेरिएंस बोलते हैं इसको, वेरिएंस ऑफ स्कोर. और पी क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ करेक्ट आंसर. क्यू क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकरेक्ट आंसर, ठीक है. तो ये फार्मूला था इसका. और जो सेकंड फार्मूला था वो था KR21, मतलब उसी का इम्प्रूव्ड फार्मूला बोल सकते हो आप, ठीक है. तो ये फार्मूला क्या था, K21N, ये मतलब ये पूरा ये फार्मूला है. एक ये है और एक ये वाला फार्मूला भी है, दो फार्मूले थे इसके, ठीक है, KR21 के. तो MT क्या हो गया, मीन ऑफ टोटल स्कोर. तो ये फार्मूला अब हम इसमें ये अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये फार्मूला मीन वाला है और हमें क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो अब देखो जैसे ये वाला फार्मूला दिया हमें, एन क्या था, नंबर ऑफ आइटम्स. तो नंबर ऑफ आइटम्स हमने दिया 55, देन मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, देन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ये है 8, इसका स्क्वायर माइनस MT मतलब मीन 30, एन हमारे नंबर ऑफ आइटम्स, MT मीन. तो इसी तरह से हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली है, ठीक है. ये हमने इसकी वैल्यू पुट की और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 0.801, ठीक है. तो ये क्वेश्चन था हमारा.
इसका आंसर ये देखो, अब इसका आंसर आ गया थर्ड, ठीक है, हमारा 801 आया, बट ये इसके आसपास ही है, तो हमने थर्ड इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है रेलिएबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट आर रिपोर्टेड यूजिंग, रेलिएबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी कैसे चेक होती है किसी भी टेस्ट की, ठीक है। अब ये होती है इंटर क्लास कोरिलेशन से, ठीक है, इंटर क्लास कोरिलेशन से, ये याद रखना। अब देखो पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, पार्शियल कोरिलेशन होता है ये एक्सप्लेन करता है कोरिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के बीच में, कोरिलेशन एक्सप्लेन करता है। और जो मल्टीपल कोरिलेशन होता है वो दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन एक्सप्लेन करता है। और जो एनोवा है वो ग्रुप्स को टेस्ट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंटर क्लास कोरिलेशन। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन असम्पशन इन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब पैरामेट्रिक टेस्ट का हमने बताना है इसमें से कौन कौन सा आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट हम अप्लाई ही वहां करते हैं जहां पे एनपीसी हमारा पूरा अच्छे से बन रहा हो, ठीक है। जो हमारा एनपीसी ही नहीं बन रहा हो, हमारा ऐसे ऊपर नीचे ऐसे आ रहा हो, तो उसमें हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो सी तो आना चाहिए, इसमें सी नहीं है, इसको कैंसिल कर देंगे, इसको भी कैंसिल कर देंगे। देन ए या फिर डी में से क्या आना चाहिए, ए ए रैंडमनेस होनी चाहिए, जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं उसमें रैंडमनेस होनी चाहिए। होमोजेनिटी नहीं आती है इसमें, क्योंकि होमोजेनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सारे जो डॉट्स होते हैं हमारे ये एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे अगर हमारी इसमें होमोजेनिटी होगी तो, ठीक है, एक ही जगह पे मतलब हो जाएंगे, वेरियंस नहीं आएगी थोड़ी भी, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर है ए, रैंडमनेस एंड नॉर्मेलिटी। तो इसका जो ए और सी आएगा आंसर फर्स्ट वाला। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अप्रोप्रिएट टेस्ट फॉर द कंपैरिजन ऑफ ग्रुप मीन, ग्रुप मीन के लिए कौन सा, कंपैरिजन के लिए कौन सा टेस्ट अप्रोप्रिएट है। अब इसमें क्या आएगा, देखो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा हम इसको कैंसिल करेंगे कि कौन सा नहीं आता है, ठीक है। अब इसमें जो बी है, ठीक है, टू ग्रुप्स के लिए टी टेस्ट या फिर एफ टेस्ट यूज करते हैं, तो ये तो हम बोल भी सकते हैं। बट जो हमारा सी है, मोर देन टू ग्रुप्स, जो टी टेस्ट है वो हमारा छोटे ग्रुप्स के लिए यूज होता है, वो मोर देन टू ग्रुप्स के लिए यूज नहीं होता है टी टेस्ट, उसके लिए एफ टेस्ट यूज होता है, ठीक है। तो सी तो हमारा आंसर नहीं आएगा, तो सी यहाँ पे भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ए तो आएगा। बी और डी में से कौन सा आएगा, बी और डी में से टू ग्रुप्स टी टेस्ट और एफ टेस्ट, तो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि दो टेस्ट के लिए हम टी टेस्ट एफ टेस्ट जो है वो मोर देन टू ग्रुप्स के लिए यूज होता है, ना कि टू ग्रुप्स के लिए, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा, तो आंसर हम आएगा ए और डी, ए और डी मतलब फोर्थ आंसर हमारा इसका करेक्ट है। देन अब देखो फिर से अरेंज करना है फॉलोइंग ड्यूटीज आफ्टर टेस्टिंग वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग अ टेस्ट। जब हम एक टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो कौन सी ड्यूटीज जो है वो मतलब अरेंज करना है उसको, कि क्या क्या पहले क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या आएगा, ई तो सभी में है, ई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सबसे पहले हम कलेक्शन करेंगे स्कोर कार्ड का, ठीक है। कलेक्शन करके हम उसको कंपेयर करेंगे, मतलब बी आएगा, ठीक है, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, उसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम उसका रिजल्ट, उसको मतलब जो रिजल्ट हमने नॉर्म सेट की है उसके साथ कंपेयर करेंगे कि जो हमने नॉर्म सेट किए थे वो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आएगा सी, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। अब उसके बाद ए आएगा या फिर डी आएगा, अब मतलब इंटरप्रेटिंग रिजल्ट, रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है, तो ये पहले आएगा और लास्ट में हम उसको फॉलो अप कर लेंगे, मतलब उसी चीज को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इंटरप्रेट कर दिया रिजल्ट, हमने बता दिया कि सही है या गलत है, तब हम फिर लास्ट में हम उसी चीज को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है थर्ड। अब देखो नेक्स्ट है वैलिडिटी वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपको देखो मैं बताती हूँ ट्रिक्स, बताती हूँ इसकी करने की। जैसे स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी, स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी, स्टैटिस्टिक हम मीन मीडियन निकालते हैं, ठीक है, ये कैलकुलेशंस करते हैं, तो ये सारा न्यूमेरिकली होता है। तो ए का आएगा 1V, ए का 1V इसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, बाकी सारे ए का फोर्थ आंसर है। उसके बाद हम चेक करेंगे इम्पीरिकल, इम्पीरिकल हमें पता है एक्सपीरियंस से रिलेट करता है, ठीक है, तो थर्ड का आएगा थर्ड, सी का आएगा थर्ड,
तो सी का थर्ड यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो आंसर आएगा हमारा फोर्थ। तो ऐसे ट्रिक से भी यूज करके आप क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन है, इफ ए टोटल ऑफ 50 स्टूडेंट्स, टोटल 50 स्टूडेंट्स है अपीयर्ड इन अ टेस्ट, 38 ऑफ देम आंसर्ड करेक्टली। 50 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 38 ने करेक्ट आंसर दिया है। अब हमने निकालना क्या है, डिफिकल्टी रेटिंग DR। हमें कैसे पता चलता है कि कोई टेस्ट डिफिकल्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मतलब इसका फॉर्मूला है 38 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, अब हमारा इसका आंसर निकल जाएगा 0.76। तो ये हमारा आंसर है, ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मतलब ये एनोवा, एनोवा इन्होंने बोला कि ये कौन से, अब नीचे से हमने बताना है कि कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एनोवा को डिस्क्राइब कर रही है। तो कौन से कर रहे हैं, सबसे पहले कंपेयर करता है ये मीन्स को, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कंपेयर करता है ये मीन को, तो डी तो आएगा आएगा, यहाँ डी नहीं है ये कैंसिल, यहाँ पे भी डी नहीं है ये वाला कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कंपेयरिंग ग्रुप वेरिएंस, ये मीन को मतलब कंपेयर करता है, वेरिएंस को नहीं करता, तो ये क्रॉस हो जाएगा, मतलब सी नहीं आएगा, तो इसका आंसर आएगा फोर्थ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने बताना है कि इसमें से कौन सा हाइपोथीसिस नहीं, तो इसका आंसर जो है वो है एक्सप्लोरेटरी हाइपोथीसिस। ये जो है वो हाइपोथीसिस नहीं है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है बट एक्सप्लोरेटरी हाइपोथीसिस नहीं होता है। तो मैं नीचे एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। अब देखो यार ये सॉरी आ नहीं रहा, बट मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। रिप्रेजेंटेटिव फिक्शन क्या होता है, सम हाइपोथीसिस आर बेस्ड ऑन द एंजप्शन एंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द काज। मतलब रिप्रेजेंटेटिव फिक्शन क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि काज क्या है, काज के ऊपर डिपेंड करता है तो ही इफेक्ट वैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ दो टीम खेल रही है ए और बी, ठीक है, इनका मैच चल रहा है, एक बहुत वीक है और एक बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे पता होगा स्ट्रांग वाली जीतेगी, ठीक है। लेकिन अगर दोनों टीमें एक बराबर है, ए और बी टीम है, वो दोनों बहुत अच्छी स्ट्रांग टीम्स हैं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी जीतेगी, वो भी जीत सकती है ए भी जीत सकती है, ठीक है। तो ये काज पे डिपेंड करता है, तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फिक्शन। तो दूसरा आता है, दूसरा आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव हाइपोथीसिस। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथीसिस का मतलब होता है जो डिस्क्राइब करता है किसी भी चीज को, उसका साइज, उसकी मतलब लेंथ कितनी है, किसी भी उसके करैक्टरिस्टिक्स या फिर किसी चीज को डिस्क्राइब करना, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव हाइपोथीसिस। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सक्सेसफुल लीडरशिप। जो एक सक्सेसफुल लीडर होता है, सक्सेसफुल या फिर लीडरशिप बोल सकती हो, उसका कौन सा फैक्टर नहीं है हमने वो बताना है। तो सबसे पहले लॉयल तो वो होना चाहिए, ठीक है, लॉयल्टी होनी चाहिए लीडरशिप में, और इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, ठीक है, तो वो ऑनेस्ट होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है, जैसे बोल सकते हो जिम्मेदारी, हम बोलते हैं कि जो भी उसके मेंबर्स हैं उसकी जिम्मेदारी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, तो ये भी होना चाहिए। और वो पेशेंट होना चाहिए, इम्पेशेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कौन सा फैक्टर नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो आएगा थर्ड, इम्पेशेंस। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ अ ग्रुप। कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस नहीं करता है इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ अ ग्रुप को, तो इसका आंसर आएगा पार्शियलिटी। मतलब कि पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए एक ग्रुप में। अगर एक ग्रुप है उसमें 10 मेंबर्स हैं या फिर 7 मेंबर्स हैं, तो किसी में भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, वो सभी इक्वल हैं, इक्वल उस ग्रुप को वो बनाते हैं, तो कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। तो अब देखो इसमें क्या है, बॉडी टाइप्स दी हुई हैं, ठीक है, तो एक सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, पिकनिक वाला है ना, ये याद रखना कि ये लोग पिकनिक में जाते रहते हैं, खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो बाकी ये मज़े में रहते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, बस पिकनिक मनाते रहते हैं, तो ये मोटे हो गए हुए हैं। तो इनकी जो बॉडी होती है वो थिक बॉडी होती है और कम्पैक्ट बॉडी होती है, जैसे रेसलिंग वगैरह होते हैं या फिर शिंजे लड़ते हैं, उसमें आपने देखा होगा वो काफ़ी सुमो गेम बोलते हैं उसको, काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, तो वो कम्पैक्ट बॉडी होती है उनकी, ठीक है।
तो पिकनिक का आ जाएगा हमारा फोर्थ। तो सी को हम फोर्थ से मिला देते हैं, तो बाकी ये और फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला कैंसिल हो जाएगा। इसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। तो ये अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे मैं आपसे शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, बॉडी टाइप्स जो हैं वो ये हिप्पोक्रेट्स ने दी थी, जो कि उसने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था ह्यूमन बॉडी को। फर्स्ट है थेसिक हैबिट्यूस, तो इसमें क्या होता है, ये टाल होते हैं और थिन फिजिक जो है इनकी होती है। और नेक्स्ट है पॉप्लिक्टिक, जो कि शॉर्ट और थिक फिजिक वाले होते हैं, ठीक है। और ये तो हमने कर लिया। और नेक्स्ट है क्रेचमर्स ने जो दी है और शेल्डन ने जो दी है, और उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसको हम यहीं पर अभी लर्न कर लेंगे। सबसे पहले पिकनिक का मैंने आपको बता दिया कि जो पिकनिक वाले होते हैं वो खाते रहते हैं और वो मोटे होते हैं, तो हैवी नेक होता है इनका, लार्ज हेड होता है, रूडी फेस होता है, ब्रॉड होते हैं, राउंडेड होते हैं, गोल मटोल होते हैं, गुगलू मुगलू होते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं पिकनिक वाले। और डिसप्लास्टिक वाले जो होते हैं वो एबनॉर्मल में आ जाते हैं। और पिकनिक वाले जो होते हैं वो मैंने आपको बताया मोटे होते हैं, और जो शेल्डन के हिसाब से बॉडी टाइप है उसमें ये होते हैं एंडोमॉर्फ। नेक्स्ट है जो हमारे एथलीटिक होते हैं, एथलीटिक से आपको पता चल रहा है कि जो ट्रैक में रनिंग करते हैं एथलीटिक, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, ये मसल वाले लोग होते हैं, इनमें मसल्स अच्छी होती है, पावर अच्छी होती है, ब्रॉड शोल्डर होते हैं, डेवलप्ड चेस्ट भी डेवलप होती है। जैसे आपको पता है आर्मी वाले बच्चों को लेते हैं तो आर्मी वाले चेस्ट चेक करते हैं, ठीक है, वो स्ट्रेंथ चेक करते हैं, तो वो होते हैं एथलेटिक। नेक्स्ट है एस्थेनिक, जो कि एक्टोमॉर्फ होते हैं, लीन बॉडी होती है इनकी, शैलो चेस्ट होती है, चेस्ट भी कम होती है और पतले होते हैं, ठीक है। अब देखो पिकनिक का आपको पता चल गया और एथलीटिक का पता चल गया और डिसप्लास्टिक का पता चल गया, तो एक बचा एस्थेनिक, तो उसका आ गया वो लीन बॉडी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टोमॉर्फी, इससे कैसे आपको याद रखना है, एक्टोमॉर्फी मतलब एक्ट, ये पतले लोग होते हैं, ये जैसे मर्जी इनको बोलो वैसे ही एक्ट कर लेते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। तो उससे याद रखना एक्टोमॉर्फी कौन से होते हैं, लीन बॉडी वाले, पतले वाले। और एथलीटिक मतलब जो रनिंग करते हैं, मस्कुलर होते हैं ये, और ये मीजोमॉर्फिक मतलब मिडल बैलेंस होता है इनमें, ये मिडल वाले होते हैं, ठीक है। तो पिकनिक मैंने आपको बताया एंडोमॉर्फी मतलब एंड, ये काफ़ी मोटे हो गए हुए हैं, इन्होंने जो लिमिट है वो क्रॉस कर दी हुई है, ठीक है। तो इससे आप याद भी रख सकते हो कि कौन से हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो पॉप्लिक्टिक हैबिट्यूस है तो वो हमने देखा शॉर्ट और थिक होते हैं, तो बी का थर्ड, तो ये हमने इसमें ज्वाइन कर दिया, तो इसका आंसर आ गया हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहेजन इज इंस्ट्रूमेंटल, कोहेजन इज अफेक्टिव। अब देखो सबसे पहले जो मेरे माइंड में आया वो आया अफेक्टिव वर्ड। जो अफेक्टिव वर्ड है वो इमोशन से रिलेटेड है, तो इसमें प्रोड्यूस फीलिंग्स अमंग ग्रुप मेंबर्स, फीलिंग्स प्रोड्यूस करता है, इमोशन प्रोड्यूस करता है, तो बी का आ जाएगा थर्ड, बी का थर्ड आएगा, बाकी कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारा फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। और बाकी देख लेते हैं एक डायनेमिक, जो डायनेमिक वर्ड है वो किससे मिलता है, वो उसका मतलब होता है जो चीज़ चेंज होती रहती है। तो कोहेजन इज अ ग्रुप कैन चेंज ओवर टाइम, जो ग्रुप है वो चेंज होता रहता है, तो डायनेमिक का आएगा चेंज वाला, डी का आएगा फर्स्ट, तो आप इससे इसको मिला सकते हो। नेक्स्ट आएगा स्ट्रेस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फोर इंटर रिलेटेड स्टेजेस, जो स्ट्रेस प्रोसेस है उसमें फोर इंटर रिलेटेड स्टेजेस से होता है, और सिक्वेंसली अरेंज करनी है हमने ये स्टेजेस को। तो सबसे पहले हमें ये ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सबसे पहले आएगा एनवायरमेंटल डिमांड, जो हमारे एनवायरमेंट होता है उसकी डिमांड क्या है, उसमें क्या आता है हमने वो देखना है। उसके बाद परसेप्शन ऑफ डिमांड, हम क्या चाहते हैं, हम क्या परसेप्शन करते हैं कि हमें ये चाहिए, अगर हमें नहीं मिलता तो हमें स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्ट्रेस रिस्पॉन्स, अब हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स करने लगते हैं, फिर लास्ट में हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं स्ट्रेस के अंडर, ठीक है। तो सी तो हमारा लास्ट में ही आएगा, तो ऑप्शन जो है वो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है टाइप ए बिहेवियर पैटर्न इज करेक्टराइज बाय, जो टाइप ए बिहेवियर है वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये देखो जो टाइप ए के करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं कि ये कम्पिटिटिव होते हैं,
ठीक है, और ये टाइम अर्जेंट होते हैं, हॉस्टाइल एंड अग्रेसिव होते हैं, और जो टाइप बी होता है ये रिलैक्स होते हैं। टाइप बी, बी से याद रखना, बी पॉजिटिव, ये करते कुछ नहीं है, बस बोलते बी पॉजिटिव मतलब सब ठीक हो जाएगा, करते कुछ भी नहीं है, मजे में रहते हैं। तो ये रिलैक्स होते हैं, पेशेंस होते हैं और इजी गोइंग होते हैं, ठीक है, एट लास्ट मजे में होते हैं। तो जो टाइप ए वाले होते हैं वो कम्पिटिटिव होते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं हम, जो टाइप ए बिहेवियर पैटर्न है, अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि ये कम्पिटिटिव होते हैं, ठीक है, तो ए तो आएगा ही आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अर्जेंसी, अर्जेंट भी होता है क्योंकि इनको बड़े काम होते हैं, कम्पिटिटिव होते हैं, तो इसलिए ये अर्जेंसी में होते हैं। और नेक्स्ट है अपैथेटिक रिस्पॉन्स और इजिली अराउज हॉस्टैलिटी। अराउज का मतलब ये पॉजिटिव सेंस में होता है कि हाँ ये चीज़ हमें करनी है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंस में होता है। तो इसका जो ए बी और डी करेक्ट है, ए बी डी और डी, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है अरेंज सिक्वेंशली द फेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग। तो जो साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग है इसके इन्होंने फेज दिए हैं, इसको हमने सीक्वेंस में लगाना है। अब देखो इसको सीक्वेंस में लगाएंगे, सबसे पहले आएगा एजुकेशन फेज, सबसे पहले हम उस चीज़ की एजुकेशन लेते हैं, ठीक है। एजुकेशन के लेने के बाद हम उसको एक्वायर करते हैं, उसको समझते हैं, उसको अपने माइंड में रखते हैं, ठीक है। माइंड में रखने के बाद हम उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, और लास्ट में होता है एप्लीकेशन फेज, या फिर आप बोल सकते हो कि जब हमें प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा फर्स्ट। एजर्शन, स्पीड परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड लाइक स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस बाय ट्रेनिंग। जो स्पीड है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि हम स्ट्रेंथ करते हैं और एंड्योरेंस करते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि स्पीड को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बट एक लिमिटेड इम्प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस हम, ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने इसको कितना इम्प्रूव करना है, ठीक है। स्पीड हल्का सा फर्क पड़ता है, स्पीड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए ये इसको हम गलत कंसाइडर करेंगे। नेक्स्ट, स्पीड हैज अ कम्प्लेक्स नेचर, बिल्कुल सही है, स्पीड का कम्प्लेक्स नेचर होता है, एज इट डिपेंड्स ऑन, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डिपेंड होती है, हमारे नर्व सिस्टम पे डिपेंड होती है, इसलिए स्पीड जो है वो कम्प्लेक्स नेचर की होती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा फोर्थ, ए इज नॉट करेक्ट, ठीक है, बट आर इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है मीजोसाइकल। अब देखो पीरियडाइजेशन से क्वेश्चन आया है, ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा होता है ये याद रखना, जैसे वॉवल्स आपको याद होंगे, ठीक है, ए फिर ई फिर आई, ठीक है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है, फिर ई वाला बीच में आएगा और फिर आई वाला सबसे छोटा है, ए ई आई, ठीक है, ये आपने याद रखना है इसका सीक्वेंस। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा है, ए वाला मैक्रो, ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, पीरियड ऑफ मोर देन वन ईयर, ये सबसे बड़ा है, और आई वाला सबसे छोटा है, ठीक है, तो यहाँ सबसे छोटा कौन सा है, वन टू वीक्स का, मतलब मीजो माइक्रो में आएगा वन टू वीक, और मैक्रो जो सबसे बड़ा है उसमें आएगा फर्स्ट वाला। देन ईयरली प्लान, जैसे कि वर्ड से हमें पता चल रहा है ईयरली प्लान, तो ये वन ईयर का, ठीक है, तो इसे हम बता सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो है फर्स्ट, ए का फोर्थ है, 3 to 6 weeks तक, ठीक है, ये बीच में लाई करता है माइक्रो और मैक्रो के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है फीमेल एथलीट शुड बी अलोड, ये जो फीमेल एथलीट्स होती हैं वो अलो होती हैं एक्सरसाइज करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, इन एनी स्पोर्ट ड्यूरिंग मेंसुरेशन, मतलब जब मेंसुरेशन का टाइम होता है तो वो एक्सरसाइज कर सकती हैं, ट्रेनिंग कर सकती हैं, उनसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट दे नो, उनको पता होता है कि नो अनप्लीजेंट सिम्टम विल अकर, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होगी उस एक्सरसाइज से, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कि लड़कियां जो है वो मेंसुरेशन के टाइम एक्सरसाइज कर सकती हैं। तो इसका रीजन क्या है, माइल्ड एक्सरसाइज डू नॉट अपीयर टू हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन मेंसुरल डिसऑर्डर, मतलब जो हम माइल्ड एक्सरसाइज करते हैं उसका मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। हाउएवर हैवी इंटेंसिटी, जब हम हैवी इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, इंड्यूस्ड एमिनोरिया, एमिनोरिया का मतलब होता है जब मतलब मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स हमारे नहीं आते हैं, ठीक है, जब गर्ल्स के मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं आते हैं, तो हैवी इंटेंसिटी ट्रेनिंग जब हम करते हैं तो वो इंड्यूस एमिनोरिया इन सम एथलीट्स, कुछ एथलीट्स में मतलब मिस हो जाता है उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड, और
नॉट अनकॉमन, और ये इन्होंने बोला कि नॉट अनकॉमन मतलब ये चीज कॉमन है, ठीक है, मतलब ये चीज कॉमन है, वो कोई इसमें ज्यादा इशू नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अपने में ये दोनों ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका ये रीजन नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो यहाँ भी इन्होंने इसका रीजन नहीं दिया कि क्यों नहीं होती है, बट इन्होंने अपना ही ये पॉइंट दिया है कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आएगा सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सेकंड, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द सोमैटिक फंक्शनल सिस्टम इज ओवरलोड ऑफ ओवरलोड इज, जो ओवरलोड है उनका सोमैटिक फंक्शनल सिस्टम, अब साइकोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं जो हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और सोमैटिक फंक्शंस होते हैं जो हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें फिजिकल बॉडी से, अब डिक्रीज कॉन्टैक्ट विद कोच, कोच के साथ हमारा कॉन्टैक्ट अगर कम है तो वो कम्युनिकेशन कम है, तो वो हमारी फिजिकल बॉडी से कोई उसका लेना देना नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल बॉडी से कौन सा है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, हमें भूख कम लग रही है, तो ये मतलब ओवरलोड का सिम्टम्स है और ये सोमैटिक फंक्शनल पे आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ओके, मैच है, इन्होंने बोला है एक जगह इन्होंने फिजिकल एक्टिविटी दी है और नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी का मतलब है कि हम कौन सी चीज कितने अच्छे से कर पाते हैं। अब हॉरिजॉन्टल वॉकिंग, ठीक है, जब हम चलते हैं तो आपको पता है हर बंदा सबसे पहले चलना ही सीखता है, वो डायरेक्टली पहले साइकिलिंग या स्विमिंग नहीं सीखता है, तो सबसे पहले वो चलना सीखता है, ठीक है। तो इसका मतलब ए का जो आएगा वो सबसे हाईएस्ट आएगा, थर्ड, वॉकिंग की प्रोफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, एफिशिएंसी, हमें हम वॉक अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है स्विमिंग, स्विमिंग की सबसे कम आएगी, ठीक है, आपको जैसे कि आपको पता है साइकिलिंग फिर काफी बच्चे कर लेते हैं, बट स्विमिंग बहुत कम बच्चे करते हैं, क्योंकि वो पानी में कभी डूबने का डर होता है कभी कुछ, तो स्विमिंग की एफिशिएंसी जो है वो सबसे कम है। नेक्स्ट है साइकिलिंग, ठीक है, तो साइकिलिंग का क्या आएगा, साइकिलिंग का आएगा फर्स्ट, ठीक है, वॉकिंग के बाद वो साइकिलिंग कॉमन चीज है, साइकिलिंग जो है वो मोर एफिशिएंटली सीखते हैं, और देन रोइंग बचा, रोइंग आएगा 10-20%, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आएगा सेकंड। देन नेक्स्ट, टू एनहेंस परफॉर्मेंस इन शॉर्टपुट, शॉर्टपुट में अगर हमें परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है तो प्लेयर को कौन सी चीज में कंसेंट्रेट करना होगा, इन तीन मतलब इन छह में से, सॉरी पांच में से कौन सी तीन चीजें हैं जिनमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा प्लेयर को, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा, देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले हम इसमें एलिमिनेशन मेथड वो करेंगे, ठीक है, यूज करेंगे, जैसे ऑप्टिमम एसिलरेशन है, ऑप्टिमम एसिलरेशन जो है वो शॉर्टपुट में नहीं यूज होती है, शॉर्ट एसिलरेशन हमें, हम जब लॉन्ग जंप में हम रनिंग करते हैं, ठीक है, या फिर हम जब हाई जंप लेना होता है हम पीछे से रनिंग करके आते हैं या कुछ, उसमें हम एसिलरेशन यूज करते हैं, थ्रोइंग में हम एसिलरेशन नहीं यूज करते हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन तो नहीं आएगा, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा और लास्ट वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब इनमें कॉमन क्या है, सी और डी दोनों में कॉमन है, अब हमने देखना है कि बी और ई में से कौन सा आएगा। तो बी का क्या है, ग्रेटर वेलोसिटी ऑफ रिलीज, वेलोसिटी तो होनी चाहिए रिलीज करने के लिए, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ही वो दूर जाएगा, तो बी तो आएगा आएगा, मतलब इसका आंसर है सेकेंड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज सिक्वेंसली, अब देखो फेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग, जो साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग है उसके फेजेस कौन कौन से फेजेस हैं, तो हमने इसका सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले इसका सीक्वेंस आएगा एजुकेशनल फेज, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम एजुकेशन लेंगे उसके बारे में तो ही हम आगे वो चीज कर पाएंगे, सबसे पहले हम एजुकेशन लेंगे फिर हम उस चीज को एक्वायर करेंगे, ठीक है, पहले आएगा डी फिर आएगा बी, एक्वायर करने के बाद हम उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे ए, देन सी, उसमें हम एप्लीकेबल करेंगे उस चीज को जब हमें वो चीज पूरी आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर है फर्स्ट, ओके। अरेंज द फॉलोइंग फेजेस ऑफ पीरियडाइजेशन इन द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के डेवलपमेंट में हमने फेजेस जो है हमने पीरियडाइजेशन के उनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा होता है, प्रिपेटरी पीरियड, इसी में हम फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो भी हम डेवलप करते हैं। तो प्रिपेटरी फेज, देन
प्रिपेरेटरी सेकंड, प्रिपेरेटरी थर्ड, ठीक है, ये तो सीक्वेंस में आएगा, हमें पता है बी सी डी, ठीक है, तो बी सी डी, बी सी डी है ही सिर्फ ये, तो इसका आंसर आएगा फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एनहांस मस्कुलर स्ट्रेंथ इंक्रीजेस जॉइंट स्टेबिलिटी एंड डिसिपेट्स हाई लेवल ऑफ जॉइंट रिएक्शन फोर्स ड्यूरिंग, ओके। अब एनहांस मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ जब हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, मतलब मस्कुलर स्ट्रेंथ एनहांस करने के बाद इंक्रीज क्या होता है, हमारा जॉइंट स्टेबिलिटी जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जॉइंट स्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है। एंड डिसिपेट्स मतलब प्रॉब्लम किस में आती है, हाई लेवल ऑफ जॉइंट रिएक्शन, जब हमने जल्दी जल्दी रिएक्शन करना होता है, क्विक रिएक्शन करना होता है, उसमें हमें प्रॉब्लम आती है, जब हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो वो कब होता है, नॉर्मली आपको पता है एजिलिटी में हमें क्विक रिएक्शन करना होता है, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ ट्रेनिंग लोड इज आल्सो नोन एज, जो ट्रेनिंग लोड है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे होता है ना ओवरलोड, ओवरलोड हम एक पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग लेते हैं हम हल्का सा मतलब लोड लेंगे, ओवरलोड करेंगे तो ही हमारी एडाप्टेशन होगी, लेकिन जो ट्रेनिंग लोड है वो हम एक कभी कभी इसको हम नेगेटिव सेंस में भी यूज करते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग लोड हम ट्रेनिंग का करते हैं कि हमें ट्रेनिंग ज्यादा हमने की है, हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट ज्यादा पड़ गया है, तो उस हिसाब से हम ट्रेनिंग लोड को यूज करते हैं। तो ट्रेनिंग लोड हम अगर नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं तो वो इंटरनल आएगी, क्योंकि हमें बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो रही है ज्यादा ट्रेनिंग से, ठीक है, तो उसको हम इंटरनल लोड की कैटेगरी में डालेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्टिकल जंप, जब हम वर्टिकल जंप लेते हैं वन गोज डाउन एट फर्स्ट फ्रॉम द स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन से हम क्या करते हैं मतलब जंप लेते हैं, तो हम नीज बेंड करते हैं, ठीक है, हम थोड़ा बेंड होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि हम बेंड होते हैं, ठीक है, फर्स्ट जो है वो तो करेक्ट है। देन गोइंग डाउन फ्रॉम स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन से बेंड होना इंक्रीज करता है डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक रीजन है इसका कि हम बेंड इसलिए करते हैं ताकि हमारा बैलेंस भी बना रहे, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जो है वो आएगा सेकंड, कि ये इसका आंसर नहीं है, नॉट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये है सही है, ठीक है, कि हमारा हमारा बैलेंस बना रहता है, सही है, लेकिन ये इस ऊपर वाली लाइन का रीजन नहीं है, बिकॉज कि हम जब जंप करते हैं तो हम बेंड इसीलिए होते हैं ताकि हमारा जो जंप है वो ज्यादा बजे, हमें मतलब अर्थ से पुश ज्यादा मिले, इसीलिए हम बेंड होते हैं, ठीक है, बट स्टेबिलिटी भी एक रीजन है, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा सेकेंड, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड इन एथलेटिक इंजरी एज स्ट्रेन, अब स्ट्रेन से क्या चीज अफेक्ट होती है, कौन सी इंजरी होती है स्ट्रेन से, ठीक है, तो स्ट्रेन से ऐसा तो हमें पता है स्ट्रेन से कौन सी होती है, टेंडन होती है, लेकिन टेंडन इसका आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि टेंडन क्या होता है, जो हमें जो मतलब बोन के साथ जॉइन होता है, ठीक है, लेकिन जब हमें इंजरी होती है तो हमें इंजरी हम ये नहीं बोलते हैं हमें टेंडन में लगी है या कुछ है, हम ऐसे मसल ही बोलते हैं, ठीक है, तो इंजरी जब हमें होती है वो हमें मसल में होती है, वो हमें बीच में होती है, ना कि बोन में जो चीज उससे अटैच होती है उसमें होती है, तो इसका आंसर जो है वो आएगा फोर्थ, मसल। देन नेक्स्ट है प्राइमरी एंड एडिशनल मींस ऑफ ट्रेनिंग आर यूज फॉर हाई स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ठीक है, हाई स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए प्राइमरी और एडिशनली एडिशनल दोनों ट्रेनिंग मेथड्स जो है मींस जो है वो यूज होते हैं। अब हमने इन्होंने पूछा है कि एडिशनल ट्रेनिंग मींस कौन से हैं वो बताओ, तो अब देखो जो फिजिकल एक्सरसाइज है ये एडिशनल तो है नहीं है, ये प्राइमरी है, क्योंकि ये फिजिकल एक्सरसाइज तो हम ऐसे नॉर्मली भी करते रहते हैं, तो ये प्राइमरी है, तो ये तो नहीं आएगा, तो ए यहां से भी कटेगा, यहां से भी कटेगा, यहां से भी कटेगा, तो इसका आंसर है थर्ड, ठीक है, तो ऐसे एलिमिनेशन से भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टेक्निक ट्रेनिंग correction of error is done using direct and indirect method, जब हम किसी को टेक्निक सिखाते हैं तो हम उसके एरर कैसे ठीक करते हैं, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से हम उसके टेक्निक जो है वो सही करते हैं, तो आउट ऑफ द प्रोसीजर अंडर डायरेक्ट मेथड, अब हमने बताना है कि इसमें से डायरेक्ट मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड से हम कैसे उसकी टेक्निक ठीक कर सकते हैं, प्रैक्टिसिंग द मूवमेंट अंडर इजियर कंडीशन, ये भी ठीक है,
चेंजिंग एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक सरफेस वगैरह हम उसको अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं बाय मेकिंग द ट्रेनी अवेयर ऑफ द एरर विद आवर डेमोंस्ट्रेशन ऑफ द रॉन्ग एंड करेक्ट मूवमेंट. एंड लास्ट है सेटिंग एडिशनल टास्क ड्यूरिंग मूवमेंट एग्जीक्यूशन. जब मूवमेंट एग्जीक्यूशन करता है तो एडिशनल टास्क उसको उसके बताए जाएं. तो ये तो नहीं आएगा एडिशनल टास्क, ठीक है. तो डायरेक्ट में कौन सा आएगा? डायरेक्ट में मतलब हमने उसको डायरेक्ट बता दिया आपकी कौन सी एरर है, ठीक है, आप क्या गलत कर रहे हो. तो इसका आंसर आएगा थर्ड. अचीवमेंट मोटिवेशन रेफर्स टू एन एथलीट्स एफर्ट्स टू. जो अचीवमेंट मोटिवेशन है वो क्या रेफर करती है? तो सबसे पहले अचीवमेंट मोटिवेशन होता क्या है? अचीवमेंट मोटिवेशन एन इंडिविजुअल्स मोटिवेशन टू स्ट्राइव फॉर सक्सेस. मतलब जो भी उसका गोल है, जो भी सक्सेस वो पाना चाहता है, उसको अचीव करना, उसको पूरा मतलब ट्राई करना उसको अचीव करने की, उसको बोलते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन. इतना इंटरेस्ट हो, इतना मोटिवेट हो कि वो उसने वो चीज़ अचीव करनी है. तो अचीवमेंट मोटिवेशन क्या रेफर करता है, ठीक है. तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट्स हैं, ओवरकम ऑब्स्टेकल. अगर किसी को अपना गोल अचीव करना है तो जो भी मतलब ऑब्स्टेकल्स आएंगी उसको ओवरकम करना है. अचीव एक्सीलेंस, जो भी स्किल्स हैं, जो भी परफॉर्मेंस है उसकी, उसको मतलब अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है. एफर्ट टू मास्टर टास्क, जो भी टास्क है उसमें मास्टरी गेन करनी है. तो जो फर्स्ट पॉइंट है, परफॉर्म एट पैट विद अदर्स. हमें दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, हमने अपना देखना है कि हमने उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना है, दूसरों से हमें कोई लेना देना नहीं है. तो इसका आंसर जो है वो आएगा बी, सी और डी, मतलब फोर्थ आंसर, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अरेंज द फॉलोइंग ड्यूटीज आफ्टर टेस्टिंग वाइल एडमिनिस्ट्रिंग अ टेस्ट इन एन असेंडिंग ऑर्डर. अब जब हम कोई टेस्ट करते हैं, जब हम कोई टेस्ट अप्लाई करते हैं किसी चीज का रिजल्ट निकालने के लिए, तो उसका सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है. तो अब देखो, सबसे पहले ऑप्शन में भी आप चेक कर सकते हो कि ई है, सभी ऑप्शन में ई है. हमारे क्वेश्चंस बहुत बार आंसर से भी बन जाते हैं, ठीक है. तो जैसे कि यहाँ पे है सबसे पहले ई, ठीक है, सारे ऑप्शन में ई ही है. तो कलेक्टिंग स्कोर कार्ड, सबसे पहले तो हम जो भी स्कोर कार्ड है वो कलेक्ट करेंगे. कलेक्ट करने के बाद हम उसको कंपेयर करेंगे रॉ स्कोर्स को. जो भी हमारे पास रिजल्ट आया है हम उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है. कंपेयर करने के बाद कंपेयर करेंगे जो हमने रिजल्ट निकाला उसको नॉर्म के साथ, मतलब जो हमने क्राइटेरिया सेट किया था उसके साथ हम उसको कंपेयर करेंगे. उसके बाद रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे और लास्ट में हम फॉलो अप करेंगे. मतलब जो हमने रिजल्ट निकाला है, जो फाइनल आंसर आया है उसको हम फॉलो अप करेंगे, ठीक है. तो इसका आंसर क्या आएगा? सी. नेक्स्ट, अचीवमेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन कैन बी टेस्टेड बाय. जो अचीवमेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट है वो कैसे चेक होती है, ठीक है. अब न्यूरोमस्कुलर आप ऐसे देख सकते हो, कोऑर्डिनेशन बोल सकते हो इसको. तो ये 800 यार्ड रन जो है ये तो हमारा नहीं आ सकता. 800 यार्ड रन, इसमें हम मतलब स्पीड का बोल सकते हो, ठीक है, वो चीजें आएंगी इसमें. कोऑर्डिनेशन का, इसमें रेस में कोऑर्डिनेशन का इतना मैटर नहीं करता है. देन लास्ट जो फोर्थ है, स्पोर्ट्समैनशिप एटीट्यूड स्केल. ये तो बिहेवियर को चेक करने के लिए होता है, एटीट्यूड को चेक करने के लिए होता है, ये भी नहीं है. फर्स्ट और फोर्थ तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा. उसके बाद बचा बैडमिंटन और बास्केटबॉल. और बैडमिंटन और बास्केटबॉल दोनों में से बास्केटबॉल में कोऑर्डिनेशन ज्यादा होती है क्योंकि वहां प्लेयर्स ज्यादा होते हैं, मूवमेंट ज्यादा होती है, वहां कोऑर्डिनेशन ज्यादा चाहिए होती है. तो जो न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट है वो हमारी जॉनसन बास्केटबॉल से ज्यादा टेस्ट हो सकती है, ठीक है. तो इसका आंसर है सेकेंड. इवेल्युएशन यूज बाय द टीचर थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शनल स्टेजेस ऑफ द यूनिट ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड. जो इवेल्युएशन होती है, जो थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शन होती है, जो फाइनल होती है वो होती है सबमिटिव, सम करना लास्ट में, ठीक है. और जो थ्रू आउट इंस्ट्रक्शनल होती है वो होती है फॉर्मेटिव. ये इंप्रूवमेंट के लिए होती है. जो हमारे क्लास टेस्ट होते हैं या फिर माइनर्स होते हैं उनको फॉर्मेटिव इवेल्युएशन बोलते हैं. तो इसका आंसर है सेकेंड. उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स कंपिटिशन एंग्जाइटी टेस्ट. जो स्पोर्ट्स एंग्जाइटी टेस्ट है ये इसमें सबसे ज्यादा पूछते हैं कि ये टेस्ट का नाम दे देंगे, जैसे SCAT, ठीक है, SCAT. तो इसकी फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स कंपटीशन एंग्जाइटी टेस्ट. इसका या फिर आपको डेट पूछ लेंगे कि ये टेस्ट कब बना था, ठीक है, या फिर पूछेंगे कि ये टेस्ट किसने दिया था, या फिर ये टेस्ट किस का है, ठीक है. मतलब जो स्ट्रेस है उसके काफी टेस्ट हैं, एग्रेशन के काफी टेस्ट हैं और एंग्जाइटी के काफी टेस्ट हैं. तो ये मैच में पूछ लेते हैं या डेट्स पूछ लेंगे या
नाम पूछ लेंगे किसने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये पिछली बार का थोड़ा टफ था, तो यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलर एक टेस्ट के पूछा है कि कितनी आइटम्स होती हैं, कितना इसमें मतलब कितने क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट होने चाहिए, रिस्पांस कितने होते हैं, तो वो सारा पूछा है। तो जो स्कैट टेस्ट है वो एंग्जाइटी का टेस्ट है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये है स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन एंग्जाइटी टेस्ट जो है, इसको स्कैट बोलते हैं। ये किसने दिया था? मार्टन ने दिया था, 1977 में दिया था, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, ये भी याद रखना है किसने दिया था और कौन सी डेट को दिया था। कॉमनली नोन एज स्कैट इज अ सेल्फ रिपोर्टिंग क्वेश्चनरी अबाउट एंग्जाइटी, एंग्जाइटी को टेस्ट करने के लिए होती है, ठीक है। तो इसमें वही है कि एथलीट के रिस्पॉन्स वगैरह चेक करते हैं, लेवल चेक करते हैं, लेवल ऑफ एंग्जाइटी कितना है, ठीक है। अब ये देखो प्रोसीजर, इन्होंने बताया है कि इसमें कितने होते हैं, 15 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है। इसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं और 15 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें क्या है, टाइम लिमिट नहीं होती है, टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो और जो मतलब इसका जो रिस्पांस होता है, आंसर होता है, वो रेयरली सम टाइम्स और ऑफन में होता है, ठीक है। जैसे ये है एक टेस्ट, स्पोर्ट्स कंपटीशन एंग्जाइटी टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, असेसिंग योर एंग्जाइटी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कैसे है, ये देखो, रेयरली समटाइम्स और ऑफन, ठीक है। तो ये तीन रिस्पॉन्सेज देने हैं हमने, और ये टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, ये टोटल क्वेश्चंस होते हैं 15, ठीक है। यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है, बट ये 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब जो इसका क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन है कि जो स्कैट टेस्ट है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, नीचे में से जो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। तो क्वेश्चनरी कंसिस्ट ऑफ 15 आइटम्स, ये हमने अभी देखा है, और क्वेश्चनरी हैज 5 स्पूरियस आइटम्स। ये मैंने आपको बताया कि 15 आइटम्स में से 5 जो क्वेश्चंस होते हैं, 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चंस जो है वो मतलब ऐसे ही होते हैं ताकि बायसनेस नहीं हो, और उन 5 क्वेश्चंस की स्कोरिंग नहीं होती है, स्कोरिंग सिर्फ 10 क्वेश्चंस की ही होती है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, और ये वाला भी मतलब ये डी भी ठीक है। तो आइटम्स जो है ये 5 रिस्पॉन्सेज होते हैं, ये भी अभी हमने देखा कि 5 रिस्पॉन्स नहीं होते हैं, कितने रिस्पॉन्स होते हैं, 3, रेयरली समटाइम और ऑफन, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ए बी और डी, ए बी और डी सेकेंड, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव स्टेट एंग्जाइटी इन्वेंटरी सेकेंड। अब ये भी जो टेस्ट है, ये भी एंग्जाइटी का टेस्ट है। अब जैसे ऊपर का पूछा था, इसका भी पूछा है कि कितनी आइटम्स होती हैं, कितना होता है। तो मेन आपने यही याद रखना है कि टेस्ट कौन सा किसका होता है, ठीक है। तो इसमें 25 आइटम्स नहीं होती हैं, इसमें 27 आइटम्स होती हैं, ठीक। अब देखो इसमें से हमारा 25, हमें पता है इसमें कि 27 होते हैं, तो हमारा ए तो कैंसिल हो जाएगा, ए हमारा यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, और ए यहाँ है ये भी कैंसिल आ जाएगा, ये तो आंसर तो है नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन कम रह जाते हैं और चांसेस ज्यादा रह जाते हैं कि हमारा आंसर ठीक हो, ठीक है। तो अब इसमें से हमारा बी कॉमन है, सी कॉमन है और डी कॉमन है। अब सिर्फ इसमें ई एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ई क्या है, कॉग्निटिव एंग्जाइटी सबस्केल हैज 8 क्वेश्चंस। अब अगर हमें पता है कि सोमैटिक एंग्जाइटी के 9 क्वेश्चंस हैं, तो कॉग्निटिव के इसमें एक ही चीज होगी ना, या तो सोमैटिक होगी या कॉग्निटिव होगी। तो सोमैटिक के अगर ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शंस में है, तो इसका मतलब ई जो है वो गलत है। तो आंसर हमारा कौन सा आएगा, 4th, बी सी और डी। मिनिमम हाइट जो है स्पोर्ट्स हॉल की वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। हैंडबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, ये सारी इंडोर गेम्स हैं, तो इंडोर गेम्स की जो जैसे जिमनाजियम होता है, ठीक है, इसके अंदर ये गेम्स खेली जाती हैं, तो उसकी मतलब मिनिमम हाइट पूछी है इन्होंने, मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए कि इससे कम नहीं हो सकती है, ठीक है। तो मिनिमम हाइट होनी चाहिए इसकी 6.7 मीटर, ये आपको याद रखना है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं था, तो ये आपको याद रखना है, मिनिमम हाइट 6.7 मीटर होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये मैंने इसकी ट्रिक्स वगैरह ये अलग अलग से आपको करवाया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट फिजिकल एजुकेटर्स वर फ्रॉम जर्मनी, हमने बताना है कि जर्मनी से कौन कौन से थे, ठीक है। तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ पे जाके आप पूरी यूनिट जो है इसकी, पूरी सब यूनिट वो चेक कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जर्मनी से कौन कौन से था। सबसे पहले हमने गुडस्मूथ का किया था, गुडस्मूथ ये जो बहुत मैनी, इसमें देखो आपको मैनी दिख रहा होगा, मतलब बहुत सारे लोग, मैनी जो है वो हम बोलते हैं ना ऐसे गुसमुस बातें करते रहते हैं, तो आवाज आती रहती है गुसमुस जब इतने ज्यादा शोर होता है। तो जर्मनी, मैनी, गुसमुथ, ये आपको याद रखना है। तो जर्मनी से गुसमुथ था, ए तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब देखो नैचिंगेल था डेनमार्क में, डेनमार्क में वो अपने, उनका अपना डेन है, अपना घर है, तो वो नाचते रहते हैं,
तो डेनमार्क डेन सॉरी नाइटिंगेल डेनमार्क का है, तो ये तो नहीं आएगा जर्मनी में, तो बी यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, बी यहाँ पे भी है ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब डी इसमें भी है, इसमें भी है, अब सी और ई में से हमने देखना है कौन सा है, ठीक है। तो सी और ई में से ये तो नहीं है, ठीक है, तो इसका बचा आंसर सी, तो इसका आंसर हमारा आ गया ए सी और डी फर्स्ट वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखो ये मैंने उसमें भी करवाया हुआ क्वेश्चन जो JKSSB का है, उसमें ये टॉपिक मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रही हूँ, आप वहां से जाके ये सारे अच्छे से समझ लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाई शुड आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, ये हमने बताना है ये किस कैटेगरी में आता है। अब देखो एक्सियोलॉजी क्या होता है, वैल्यूज से रिलेटेड होता है, तो इसमें तो कोई वैल्यूज है नहीं है, ये नहीं आएगा, ठीक है। मेटाफिजिक्स क्या होता है, जो रियलिटी वगैरह के बारे में क्वेश्चंस करे, मेटाफिजिक्स मतलब ये दुनिया कैसे बनी, क्या चीज है, ठीक है, तो ये उसके बारे में होता है, तो ये भी नहीं आएगा। एपिस्टोमोलॉजी होता है नॉलेज के बारे में, नॉलेज कैसे आती है, कैसे हम नॉलेज गेन करते हैं, कहाँ से आती है, तो ये भी नहीं आएगा। तो लास्ट में बचा लॉजिक, लॉजिक है कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो हम क्यों खेल रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम क्या एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, क्या लॉजिक है, तो ये क्वेश्चन आएगा लॉजिक के अंदर, ठीक है। तो आंसर इसका आएगा फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसाइडर्ड बाय वेंकर एज अ रीजन टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटी। इन्होंने बोला कि अगर फिजिकल एक्टिविटी में कोई पार्टिसिपेट कर रहा है एडल्ट, तो वो क्यों करता है, किस रीजन से करता है, सेल्फ चैलेंज, अपने आप को चैलेंज करने के लिए कि मैं ये चीज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल ठीक। हेल्थ फैक्टर, हेल्थ फैक्टर के लिए भी करता है, फिजिकल फिट होने के लिए, फीलिंग बेटर, यस, जैसे रिक्रिएशन गेम भी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर आती है, रिफ्रेश मतलब माइंड करते हैं। लास्ट है वेट गेन, तो आपको पता है कि वेट गेन के लिए तो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हालांकि वेट गेन के लिए भी जैसे जिम करते हैं वो वेट गेनर के लिए भी होती है, लेकिन नॉर्मली हम एक्सरसाइज को वेट लूज करने के लिए कंसाइडर कर सकते हैं, वेट गेन के लिए नहीं कर सकते, तो इसका आंसर आएगा फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज एन इंडिविजुअल गेट्स ओल्डर विद ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल चेंजेस, कौन कौन से सॉरी फिजियोलॉजिकल चेंज हमने बताने हैं, जैसे जैसे एक इंसान बूढ़ा होता जाता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, मतलब रिलेटेड टू इट्स फिजिक और फिजिकल हेल्थ, ठीक है। तो क्या क्या आता है, सबसे पहले जब आपको पता है कि जैसे आपकी दादी हैं या मतलब जो बूढ़ा है, तो या तो वो बड़े पतले हो जाते हैं या तो वो बड़े मोटे हो जाते हैं, ये दो ऑप्शन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, उनकी हेल्थ में ये दो चेंजेस जरूर आती हैं, तो ये तो आएगा ही आएगा ए और बी, ठीक है। ए और बी इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें ए नहीं है ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें बी नहीं है ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचा फोर्थ, ए बी एंड ई। बेसल मेटाबॉलिक रेट, जब हम बोलते हैं कि इनको पच नहीं रहा, इनको कम पच रहा, तो मेटाबॉलिक रेट उनका डिक्रीज हो जाता है, तो इसलिए ई भी आएगा फोर्थ आंसर इसका करेक्ट है। ये भी आपको लर्न करना है कि हाउ मच स्पेस रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट, अगर हमें 4 मीटर ट्रैक बनाना है तो उसके लिए कितना हमें टोटल स्पेस कितनी चाहिए, ग्राउंड कितना चाहिए टोटल, तो वो हमें चाहिए 185.28 मीटर लेंथ में और 105.28 मीटर विड्थ में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एथलेटिक इवेंट्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन 1896 ओलंपिक, 1896 मॉडर्न ओलंपिक जब स्टार्ट हुए थे, ठीक है, तो इन्होंने बोला कौन सा एथलेटिक इवेंट नहीं था। यार एक चीज देख लो, ये बीच से कभी नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो बड़ा कम पूछेंगे, बस जब कोई चीज स्टार्ट हुई हो या फिर लास्ट वाला जो इवेंट हुआ हो उस चीज का ऐसी क्वेश्चन पूछते हैं। तो और मॉडर्न ओलंपिक 1896 में स्टार्ट हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा इवेंट उस टाइम नहीं था, तो वो है 5000 मीटर, ठीक है, बाकी सारे थे, ये वाला उस टाइम नहीं था। ओके ये तो जैसे किसी की किस्मत खराब होगी तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइजेस द, अब देखो 21 जून को हमें सभी को पता है कि योगा डे मनाया जाता है, लेकिन इन्होंने बोला कि 21 जून को जो योगा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये यूएन ने कब रिकॉग्नाइज किया था कि हम मतलब योगा डे मनाएंगे, तो वो इन्होंने किया था 11 दिसंबर 2014 बाई रिजोल्यूशन 69131, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, द डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैज इट्स प्राइमरी फोकस, जो फिजिकल एजुकेशन है उसका प्राइमरी फोकस किसमें होता है,
अब इसमें से तो सभी में होता है, परफॉर्मेंस में भी होता है, ठीक है, फिटनेस में भी होता है, मूवमेंट में भी होता है, हेल्थ एंड वेलनेस भी होती है फिजिकल एक्टिविटी से, ठीक है। बट जो एनटी के हिसाब से इसका आंसर आया कि फिजिकल एजुकेशन का मेन फोकस वो है मूवमेंट में, क्योंकि हमें पता है टीचिंग में हमारा माइंड ज्यादा काम करता है, लेकिन जो हमारी फिजिकल एजुकेशन होती है उसमें हमारा मूवमेंट, हम खुद उस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है ह्यूमन मूवमेंट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैं इसका भी ऊपर आई बटन में लिंक दे रही हूँ, इसकी मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है, तो वहां से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो नेशनल फिजिकल फिटनेस ड्राइव, ठीक है, जब हम ड्राइव करते हैं तो अगर हमारी टक्कर बजने लगती है, हमारा एक्सीडेंट, हम बोलते हैं ऊ ऐसा हो गया, ऊ नाथ, नाथ भगवान को याद करते हैं हम, ठीक है। तो इसका आएगा उनाट, तो उनाट कहाँ है ये, तो इसका फर्स्ट का हम कर देंगे सेकेंड के साथ, ए का आएगा सेकेंड के साथ, या ये आएगा या ये आएगा, ठीक है। अब देखो नेशनल ये कर सकते हो, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल, सेंट्रल मैंने आपको बताया था सेंटर पॉइंट 50, ठीक है। तो डी का आएगा फोर्थ, डी का फोर्थ इसमें है इसमें, तो इसका आंसर आएगा थर्ड, ठीक है। तो फिटनेस भी हमने किया था कि 65 की उम्र हो गई है, 65 साल से मैं फिटनेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी आप उसके साथ जोड़ सकते हो, तो इसका आंसर क्या है थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, तो इन्होंने बोला कि जो नोटिफिकेशन आई थी 2014 में एमपीएड जो 2 इयर्स की होती है, इन्होंने बोला कि अगर हमें सीनियर सेकेंडरी में पढ़ाना है, सीनियर सेकेंडरी के टीचर्स चाहिए हैं, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या डिग्री होनी चाहिए, तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड होनी चाहिए और बीपीई। अगर 11th 12th में या किसी में हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है तो हम इस चीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी के लिए, मतलब 12th लेवल के लिए। और अगर बैचलर डिग्री इन एनी मतलब स्ट्रीम है और हम खेलते हैं, हमारी नेशनल पार्टिसिपेशन है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं 12th को पढ़ाने के लिए। अब अगर कोई इंटरनेशनल ओलंपिक खेल रहा है तो वो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, खेल सकता है वो लेकिन पढ़ा नहीं सकता, तो ये वाले ऑप्शन नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ ये 2 ऑप्शन आएंगे, ए एंड बी, मतलब 4th आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट ये भी आपको लर्न करना है कि कौन सा जो प्लेयर है वो कौन से गेम खेलता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है नितिन किरताने, ये है सॉरी ये है टेनिस के, ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा टेनिस, ये टेनिस के हैं, और जो मैनुअल फ्रेडरिक है ये हॉकी के हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल जाता है फोर्थ, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि कौन सा प्लेयर जो है वो किसका है, तो जो मनोज कुमार हैं वो रेसलिंग के हैं, और अनु बासक हैं जो वो टेबल टेनिस के हैं, तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा प्लेयर उनसी गेम का है। और ये एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ जब गेम्स जब हम करेंगे उसमें मैंने 2018 के कौन से विनर हैं, कितने मेडल्स आए थे उसमें किया है, तो जिस जिस प्लेयर का मेडल होगा बस उसका आपने याद करना है कि कौन सा प्लेयर को कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल मिला था, तो उसकी गेम आपको याद रखनी है सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स की, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।